भागलपुर शहर के 22 केंद्रों पर दो पालियों में 17 दिसंबर को दरोगा भर्ती परीक्षा होनी है, जिसमें 11,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। बता दें कि सभी दरोगा अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिस कारण पहली पाली के लिए 9:30 बजे और दूसरी पाली के लिए 2 बजे तक परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रशासनिक आदेश के अनुसार सेंटर का गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सेंटर पर जैमर लगाने की बात कही जा रही है। वहीं सभी परीक्षार्थियों की केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फोटोग्राफी होगी, जिसमें परीक्षार्थियों की उंगलियों के निशान के साथ फोटो को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण के लिए दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थी की तलाशी लेकर ई प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र की जाँच भी की जाएंगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान कोई भी लिखित सामग्री, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइडर रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, डिजिटल डायरी और पाम टॉप समेत किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। भागलपुर के नौलखा कोटी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में शनिवार को 12वां 2 दिवसीय IDA बिहार स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन IDA अंग प्रदेश के द्वारा किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिले समेत देश के अलग अलग शहरों से जाने माने दंत चिकित्सक और विशेषज्ञ डेंटल सर्जन शामिल हुए। डेंटल कॉन्फ्रेंस में शनिवार को डॉक्टर प्रशांत भसीन, डॉक्टर अनिल ढिंगरा, डॉक्टर मीना भसीन, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर हर्षधर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर राजीव रंजन समेत विभिन्न जगहों से कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे दंत चिकित्सा से जुड़े अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने PPT के माध्यम से इलाज से जुड़ी बारीकियां, नए शोध और तकनीक के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान IDA अंग प्रदेश के चिकित्सकों ने कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करते हुए सभी अतिथि विशेषज्ञ चिकित्सकों और बिहार के विभिन्न जिले से पहुंचे डेंटिस्ट के स्वागत के लिए तमाम तरह की व्यवस्था में जुटे रहे। वहीं कॉन्फ्रेंस को लेकर IDA बिहार के सचिव डॉक्टर कुमार मानवेंद्र ने कहा कि डेंटल ट्रीटमेंट के क्षेत्र में पूर्व और वर्तमान समय में किए जा रहे तकनीक के गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके लिए भागलपुर में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस डेंटल सर्जरी और इलाज में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय स्तर के दंत रोग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में मुंह के कैंसर, कॉस्मेटिक सर्जरी समेत कई क्षेत्र में इलाज की तकनीक का लाभ डॉक्टरों के माध्यम से मरीजों को मिल सकेगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कार्यक्रम का उद्घाटन DIG विवेकानंद, JLNMCH के अधीक्षक डॉक्टर कुमार गौरव समेत IDA के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इधर डॉक्टर सनातन ने कहा कि इस वर्ष भागलपुर को स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का अवसर मिला है, जिसमें पूरे बिहार से 500 चिकित्सक एकत्रित हुए हैं, जबकि दंत रोग के कई विशेषज्ञ वक्ता भी हिस्सा लेकर इलाज की अपग्रेड तकनीक और अपने रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका लाभ भागलपुर और बिहार के सभी डेंटिस्ट एवं मुख रोग चिकित्सक को मिलेगा। उन्होंने बताया कि लेजर तकनीक, माइक्रोस्कोप सर्जरी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हेड एंड नेक एंकोलॉजी, ऑर्को सर्जरी, इम्प्लांटेशन समेत डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया गया। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिव डॉक्टर जौहर साजिद, IDA अंग प्रदेश के संस्थापक सचिव सह उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शुभांकर सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा, डॉक्टर कृष्णांशु, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर SB शरण, डॉक्टर शुभम दत्ता समेत काफी संख्या में दंत रोग चिकित्सक ने हिस्सा लिया। भागलपुर जैसे जगहों पे इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करना और वो भी जनहित में, जहाँ डेंटिस्ट्री की आधुनिकताएँ लोगों के समझ में आए। आज से 50 साल पहले डेंटिस्ट्री में क्या काम हो रहा था और आज डेंटिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, उसका एक बृहद गहन अध्ययन की आवश्यकता थी। और IDA भागलपुर, IDA बिहार स्टेट के सहयोग से स्टेट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट हैं। और आने वाले समय में मुंह का कैंसर हो, चाहे इम्प्लांट की बात हो, चाहे लेजर की बात हो, चाहे फेशियल रिसिपिंग की बात हो, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी की बात हो, डेंटिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। 12th बिहार IDA डेंटल स्टेट कॉन्फ्रेंस, एक स्टेट कॉन्फ्रेंस करना बड़ी बात होती है। सर, भागलपुर को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम स्टेट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करें।
पूरे बिहार से लगभग 500 डेलीगेट्स यहाँ जमा हुए हैं, 500 डॉक्टर्स एकत्रित हुए एक जगह पर, जहाँ के सब अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बाहर से काफ़ी सारे स्पीकर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, इवन बैंगलोर से आए हैं, इतनी दूर से ये चल कर यहाँ आए हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं, अपना रिसर्चेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस में सारा अपग्रेड जो भी टेक्निक्स है ट्रीटमेंट का, उसको यहाँ पर लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। लेज़र्स, इम्प्लांटोलॉजी, माइक्रोस्कोप इन डेंटिस्ट्री, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिक माइक्रो एंडोडोंटिक्स, उसके बाद फिर हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, हेड नेक सर्जरी, हेड नेक ऑन्को सर्जरी, सब के काफ़ी सारे यहाँ मास्टर्स एकत्रित हुए हैं एक जगह पर, जो हम लोगों को अपना एक्सपीरियंसेस, अपना अपने रिसर्चेस को शेयर कर रहे हैं। इससे क्या है कि हम जो बिहार के सारे डेंटल सर्जन्स हैं, अपने नॉलेज को और अपग्रेड कर रहे हैं। इस हमारे जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो और अपग्रेड हो रहा है, उससे डायरेक्ट बेनिफिट हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको मिलेगा, क्योंकि अब भागलपुर भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है, बिहार भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। भागलपुर के कहलगांव अंतर्गत इकचारी हाई स्कूल मैदान में युवाओं के द्वारा ECL सीजन 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, समाजसेवी रामाशी सिंह, प्रमोद मंडल और हारून आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस दौरान विधायक समेत सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें टूर्नामेंट को लेकर शुभकामनाएं दी। विधायक ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेल खेलने की अपील की, जिससे पढ़ाई के अलावा खेल के क्षेत्र में भी युवा अपना मुकाम हासिल कर सके। MLA पवन यादव ने कहा कि खेल से मनोरंजन के साथ शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जबकि खेल हमें अनुशासित होना सिखाता है। मौके पर क्लब के अध्यक्ष अंजनी कुमार, कृष्ण कुमार सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी एवं दर्शक मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज कृष्णानंद स्टेडियम में रह रहे बंजारा समाज की शादी के दौरान स्टेज पर डांस के दौरान नर्तकियों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सुल्तानगंज थाना में समाज के मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसको लेकर बंजारा समाज के अध्यक्ष बासु मंडल ने बताया कि 12 दिसंबर को बंजारा समाज के 20 लोगों की शादी समारोह में देर रात में बारात घुमाते हुए कृष्णानंद स्टेडियम में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कलकत्ता से आए कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के दौरान कुछ लोगों ने कलाकारों के हाथ में हथियार दे दिया, जिसके लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बासु मंडल ने बताया कि उन्हें असली या नकली हथियार का कुछ भी पता नहीं है, और कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई थी। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें हथियार लहराने के मामले में झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि बंजारा समाज के 15 जोड़ों की शादी भी पुलिस प्रशासन द्वारा रुकवा दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे उन लोगों को 2,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भी शादी नहीं हो सकी, उसके परिवार के लोग काफी आहत हैं। शादी बड़ा ठीक हुआ के सिंदूर डालने वाले थे, इतने में बड़ा बाबू आया, DJ बंद करवा दिया, शादी नहीं करने दिया, 2-3 गाड़ी रात को घुमाया, डर से सब सो गए,
सभी लड़की ऐसे पड़ा हुआ है, 2 लाख का सामान मेरा बर्बाद हो गया था, नुकसान हो गया, 2 लाख की सामान मेरा बर्बाद हो गया, सब लड़की वाली रो रही है, क्या करे साहब, दिल्ली कलकत्ता से बॉम्बे से कमा के लाए थे, सब बर्बाद हो गया। अभी बताइए सुल्तानगंज का समाज लोग ऐसे करेगा तो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म हम लोग को आप लोग सहयोग दीजिए, हमको झूठे के फंसाया जा रहा है।